आज रात 2 बजे एक इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल जवाब हुए, उसमें मैंने हकीकत बयान की कि किस तरीके से इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है। तो उस दौरान कनीज़ फातिमा जो एमएलए हैं उनका नाम लिया गया, उसमें मैंने जो एग्जैक्ट जो हकीकत थी उसको बयान की। आप गुलबर्ग के लोग जानते हैं कि मैं खमुस लाम साहब का राइट हैंड हूँ और किस तरीके से एक गुंडागर्दी कर साजिश कर उन्होंने इलेक्शन में साजबाज कर हमला की, साजबाज कर वो हमला किया, वो तारीख को मैंने बयान की। तो उस दौरान यहाँ पर चंद जो बच्चे थे वो जैदुल इस्लाम और वो शोएब और शोएब खान और आरिफ खान का जो बेटा है सोहेल खान, ये और जो है ना दिगर और कई लोग हैं, मैं उनके नाम बाद में निशानदेही करूँगा, यहाँ पर जमा होकर उन्होंने खींचमतानी की, मेरा मोबाइल छीना और मुझे तलवारों से और बंदूक भी लेकर आए थे। वो खान बिरादरी के लोग थे, पूरे बंदूक थे उनके पास और पूरे हथियार थे। पर किससे अटैक हुआ? अब वो लड़ थी, तलवारें थी और बंदूक थी, बंदूक बताई गई। और मैं चाहूँगा कि ये लोग पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं शहर में और इलेक्शन कमीशन को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं एसपी साहब से बात कर रहा हूँ, डीएसपी साहब हैं, मैं एक ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल एक जो है ना इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और फौरन कनीज़ फातिमा और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फौरन मैं उनकी अरेस्ट की डिमांड करता हूँ। एमएलए हो कुछ भी हो, इलेक्शन चल रहा है, नोबडी इज अबाउ द लॉ। तो मैं चाहूंगा कि कनीज़ फातिमा को फौरन यहाँ पर अरेस्ट किया जाए, मैं अभी वो कंप्लेंट लिखा रहा हूँ। और घर पर अटैक हुआ, मेरी कार फूट गई और जो है ना मेरा गेट और अंदर घुसकर मेरे घर में जो है ना जानलेवा हमला किए गए। ये सारे लोग हैं, 150 लोग हैं जिसमें आदिल सुलेमान है, नजमुल इस्लाम अहमर है, ये सभी लोग जो है ना टीम बना कर आए थे और ये कनीज़ फातिमा का पूरा जो है ना वो सामने ठहर कर ये वो औरत ये कारनामा कराए हैं। और मेरी जो खवातीन थी उनके साथ भी बदतमीजी की। सियासत में जब आते हैं तो हर चीज से तैयार होना पड़ता है, तेरी माँ मेरी माँ कुछ नहीं होती। सियासत में जब आते हैं तो सब सोच समझ कर आना चाहिए। आवाम है, पब्लिक है, हम वोट दिए हैं और पूरा इख्तियार रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को बात करने की। तो इस नमने की गुंडागर्दी मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पूरा दिल्ली तक जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन तक जाऊंगा और जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होते मैं अपना एहतजाज कंटिन्यू रखूंगा। कार एक मारुति वैन थी, उसमें जो है ना बिठा करके चलिए कनीज़ फातिमा के साथ बैठकर बात करेंगे, वो एमएलए हैं, आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। मैंने कहा कि जो भी है सच है, मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। ये जो बातचीत होनी थी तो बैठकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस नमूने का जो अटेम्प्ट मर्डर, जो पूरा मेरे को मर्डर करने की नीयत से ये लोग आए थे, ये मेन कल्प्रिट जो नंबर वन है, एक्यूज नंबर कनीज़ फातिमा है। मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर FIR हो आज के बाद। मुझे कुछ भी अभी FIR होने के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन करते उनको हम सिक्योरिटी देंगे, पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी देंगे और जो जो हमला हुआ है उनका तरफ से वो कंप्लेंट दे दिए, कंप्लेंट का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलिए पहले कंप्लेंट होंगे, FIR होंगे, पहले कौन कौन है क्या है। FIR वहाँ देने गया तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे कौन वहाँ के रोजा पुलिस स्टेशन वाले, हमें भी है पेपर है सर आप लो। हाँ नहीं 3-4 करो FIR।